प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते। सारा दिन यही गोबर के बूंड की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यही रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये मात पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहां जन्म होगा वहां मात पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां मात पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां मात पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी मात पिता। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर दर देगी, और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरन लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो, नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार लूट खसोट रिश्वतखोरी, तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी के। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से उसके सत्संगों से पहचान होती है,
और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र का मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुन सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डुंडा पीट रख्या, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ना ज्ञान एकाने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तीसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहेब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे, वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना हो केहरी कबहू सिंह की खाल उढ़ाए, यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल तार तूर लिया उसकी कितने तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे, वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा फसल खा रहा, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह गांव में आकर रुक के, मर गए शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात न शेर आवर फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुमार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं, वो कहने लगे नहीं भाई नहीं उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो दो चार गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए,
और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर, अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी सी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हु हु करने लगे, वो शेर भी ला गया हु हु करने, वो आया भाग्या और उन गधों के पास आकर हु हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर से, और गधा का गधा तब तो रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को दमका, निकम्मे तो नहीं हो के जुलम कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है, वो भी हु हु करता है जब कहने लगे भाई यू तो गधा है शेर को नहीं, शेर की आवाज देखो ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री मंत्री कोई मर गया था उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह कान जावे थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, छणुए के छणुए मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके दो मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, शपथ शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक ही तो 3 दिन में लाश मिली थी, और एक की 1 हफ्ते में गिद्दड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे। तो ये काम करण के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चोथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वह पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर कर और बिल में ठोक लेंगे गोली बना बना के, उसको ऊपर कर रेत लगा के कोई पिछाड़ ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे डोते डोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वहीं रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरीब गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये
जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखे जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है वो भी टैक्स में जाता है और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी दो चार्ज थे उसके ऊपर, दो का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, एक दो वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहाँ ठाट से रहा करूँगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपाटे वहाँ करा करूँगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहाँ के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपुण्य आत्माओं, पहले 100-100 के नोट थे, 500-500 के भी ना थे। तो मरण के काम ताप पर कर रहा था वो 3 करोड़ 100-100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर, उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था लड़का, वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने फिर वहाँ के जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहाँ उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100-100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों में नहीं चला है। और वो छाती गलाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहाँ मर गया, वो रह गया दरिया दराया। आए है अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहाँ, जिस जिस के पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूँ उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है।
अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में, गीता जी में गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है? श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है। अब ब्रह्म की पूजा करने से भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट ये रोग ये कति कटेगा और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इसे परम शांति नहीं हो सकती, जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता ज्ञानदाता। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्वर्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्वर्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्वर्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र हैं, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो वो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के 1 मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो वो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा तां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहितापुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण से जो ब्रह्म पिछाड़े। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब तो एक अर्य नकली सतगुरुआ का अंत नहीं,
ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस तीन नाम का निर्देश है। ओम तत् सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत् सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्म ने सच्चिदानंद गण ब्रह्म के त्रिविध समर्थ है, उसका तीन विधि से सिमरण की विधि है, तीन प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि तीन प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष अक्षर पुरुष, इन दोनों को रिजेक्ट किया है। ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन भगवानों के पुरुष माने प्रभु, इन स्वामियों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा है उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, कि इन दोनों से गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दो प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदारते कहते हैं उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक चरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। और वही परमात्मा कहा जाता है, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ति, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं, इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये तीन मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे दंदन सतगुरु वाले देते तीन मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी, सांस उस वास की। ये दो मंत्र का ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं।
तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं, फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन दो मंत्रों से, जो सतनाम के दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना, और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान का दानीच, तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे थे दुश्मन पहले बतेरे थे, दिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत् ये तो सतनाम दो अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन एक अक्षर का बिना भी रहे, पांच नाम काल के पांचों उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके उक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा दक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा, आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनः क्षीण हो गए, भूता बनना था, फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्मान्ना पुण्यात्मा दास का कोई उससे बाई बटवारा ना, कोई किसी चीज़ का हिस्से में साझा नहीं, वह उसको उनको कोई झूठ बोल कर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूँ, नहीं, परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं, मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ करके, कौन सी साइड से समझाऊं, भगवान आप पर दया करियो अपने बच्चों को, आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना, परमात्मा हम जीवों के बस का नहीं है, इतने बड़े मिशन को सफल करना आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंड पंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा, अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा, अब वो हैंड पंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरन करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है दो अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरन करने से, पूरा सिस्टम जब सिमरन लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगा हुए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध समर्थ है, उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की, ये तीन मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8-9-10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा,
और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। ये गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे, अब परमात्मा की निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ कर के, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए। तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा, तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपने आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए हैं, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर के ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहे, तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो, 10 दिन पीछे ले लो, महीने पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया, उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हो सही होता है, अब वहाँ दूध के जले हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम, तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करें। यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए, इंदिरा दास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये दिनोद वाला और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज और ये तेरे बाल योगेश्वर सारा उड़े निरंकारी, ये देश का देश दका दिया काल ने और खक नींद के पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया, 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते, आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण आप तक सत को पहुँचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे
आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोधा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुआ थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान दर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब यो ज्ञान रहेगा, एक का रहेगा दूसरा नहीं रहेगा संसार में, आप देख लेना कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख मीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहां, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो सो वर्क। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वहां तो लाखों लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहाँ देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ वह भी अपने बहन भाइयों को रिश्तेदारों को दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं, हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है बदमाश है वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं, ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे, वो एक भी ट्रस्ट से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और जितना अब जहाँ भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ठोक दिए जेलों में, लेकिन ये बेपरवाह हैं, ये तो और दूनी उमंग से गए क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं, ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर, जब ज्ञान हो जाएगा। लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, कि किसके साथ लड़ें वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है, ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मलिटी मत समझना, सच्चाई ये है। हम किसके साथ मरें, परमात्मा आए थे कबीर जी उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसकी किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्मा यहां आप देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे श्राप दे दे तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए, अपना भी नाश करा उसने भक्ति का और अगले को भी दुख दे दिया, तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं ते पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है, वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ पांच यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर, तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको हजार गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है, ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा और के हानि होगी, कोई ना खवाओ बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भक्त हैं ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे, लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा रोटी अवश्य खिलावे,
प्रार्थना 100-100 बार करें, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके को खुशी होगी, तुम हमने खवा दो, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं, और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है, तो और कोई वैसे सिर पैर है नहीं, उसका कीकर का लठ गाड़ के उसने नो कह यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझ कर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये, भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए, आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई, ये मटेरियल तो पहले भी था लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था, अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, और सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है, तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम, इससे पहले हजारों वर्ष डड़े डोके चले गए वो ऋषि जी, हर ये राधा स्वामी सतगुरु वाले अर्घ्य के कहे हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ हैं। एक भगत कह रहा था बोला वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते जो हजारों वर्ष धक्के खा गए, वो अभी त्रिकुटी में लाया करते, तुमने ना सोचो थारी परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन्हें गा के घेर रखी है त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन तरकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है, जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा थोड़ी देर के बाद फिर वहीं, किसी से बतलाता है 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये है हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है काम भी करती है लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहाँ से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से ज्ञान से ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर उल्टा हट कर जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है सारा काम करती है लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर चलो अपना काम संभालूंगी, वहाँ से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है।
और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में दो सदस्य नाम ले रहे हैं, चार नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया, तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये त्योड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो पहले से, कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ये ट्या ट्या ना करें, तो वो भी धारणा है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की यहाँ पर जोत जलाई जाती है, उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बठबाड़ के अवनकरण का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन, ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो, 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेंगी, तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और उस 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी धुन धुन सदगुरु जय गुरुदेव वाले, ये जनोदाल, ये निरंकारी सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुवाणी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन यज्ञ होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी, बताइए फिर लाभ कैसे होगा इनको, हम तो अंदर जोत जलावेंगे। उस शिवदयाल का जलगी जोत बुक्की में बैठा भूत बनया, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में, धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का, लेकिन यू ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। अक्षय कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सूरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती, तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 4 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका, और पर 10वें दिन ऐसे ही 4.5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे दंडवत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया, अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता, परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिलगी, हांडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और एक मिनट में अधरंग मार जा, हैं पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, नपड़े पड़े मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए, वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बताएगा, क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और पांचवी यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुना जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नाशवान है, ये सत्यनारायण कहाँ से हो गया। सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर
निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लिखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा रामशंकर राठौर नाम है। सर आप कहाँ से आए हैं? फरकाबाद जिला पड़ता है, कन्नौज साइड में, ईपी में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति साधना करते थे? साधना में यानी जो मेरे परिवार में वो चलती आई ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसकी पूजा हमें भी करते आए। सर अभी आपने बताया कि आप बचपन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूजा करते आए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ मिला? लाभ मेरे कुछ नहीं मिला, हानि के अलावा कुछ नहीं। और मेरे को 7 साल हो गई यानी मेरी को तबीयत खराब होते हुए, लीवर हमारा जो कैंसर वो था फेंसन और आंतों में सूजन थी और बढ़ गया था। 7 साल इन समय में इलाज कराते कराते थक गया था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत राम महाराज के शरण में हमने सत्संग सुना 15 दिन लगातार, तब मैंने देखा कि ऑटोमेटिक यानी बगैर लोगों की बीमारी सही हो रही थी, कि कैंसर था कि कुछ बीमारी थी, कुछ बीमारी थी अपने आप सही हो रही थी। मेरे पेट में कैंसर बोल दिया लीवर में यहाँ। तो फिर उनने बोला, हमने भगत जी को बुलाया फ़ोन करके, हमने गए थे बात है कि, तो उनने भगत जी ने कही उपदेश ले लो आपकी भक्ति करो। फिर हम मोटका में गए, उपदेश लिया मैंने। फिर उपदेश लेने के यानी 15-20 दिन लगे, लगातार खूब हमने भक्ति करी। संत रामपाल महाराज के शरण में आने के बाद में मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुई है। मेरा कैंसर था वो भी सही हो गया और लीवर में जो सूजन पेट आंतों में सूजन थी वो भी ठीक हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? 7 साल से हमारा लीवर खराब चल रहा था और 7 साल के बाद में मैंने चेकअप कराया तो मेरा का कैंसर निकला। फिर मेरे को कैंसर निकला तो मेरे को बड़ी परेशानी हो गई थी। डॉक्टर ने मेरे को 12 लाख रुपये मांगे थे, तो मेरे पास थे नहीं, हम तो गरीब आदमी थे। तो हमने कि डॉक्टर, फिर डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने बाद तुमको यानी बताना है। संत रामपाल महाराज के दया से अब हम ठीक हूँ। सर अभी आपने बताया कि आपको कैंसर था और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, तो सर जो भक्त समाज देख रहा है उनको कैसे विश्वास हो सकता है? क्या कोई आप रिपोर्ट लेके आए हैं? हाँ रिपोर्ट लाया है जी। देखियो मैं कैंसर की रिपोर्ट लेके आया हूँ और ये बड़े डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया और ये कैंसर बताया मेरे को, ठीक है जी। आपने ये रिपोर्ट कहाँ से जांच करवाई? मैंने रिपोर्ट करवाई एम्स में। सर जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है इसमें आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया है। सर जरा हमारे दर्शकों को आप वो रिपोर्ट भी दिखाइए जिसमें आपको डॉक्टर ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। संत रामपाल महाराज के शरण में आके मैंने 3 महीने के बाद में ये रिपोर्ट करवाई तो इसमें मेरे को कैंसर नहीं निकला। बड़े डॉक्टर ने फिर चेकअप करा तो उसमें कैंसर नहीं निकला। मैंने देखो इतनी सारी रिपोर्ट करवाई हैंगी, देखो संत रामपाल महाराज के दया से अब बिल्कुल सुरक्षित ठीक हूँ मैं। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल महाराज के शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880541।
5 4 2 8 2 2 2 8 8 0 5 4 3 8 2 2 2 8 8 0 5 4 4। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।